बेचारी बहुत परेशान हो गई होगी जब बच्चे बड़े हो गए। दोस्तों ये लेके आई थी मालो जी के बैठने के लिए और उस पे तो नहीं मजा आ रहा है यार, घर की याद आ रही है, मीत की। दोस्तों अभी फन चल रहा है, एक और सुन रहे हो आप ही की बात कर रही हूँ, मैं बुराई कर रही हूँ मैं आपकी। ये देखो लेफ्ट साइड आपके बॉडी का लेफ्ट साइड बार बार बीमार रहता है या उसकी सर्जरी हो रही है तो वो आपके पुराने कर्मों के वजह से होता है। तो दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया है जब मालवीय जी जा रहे हैं ऑफिस, बोल रहे हैं पेन होने बट जाना तो पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा ऐसा नहीं होता। और ये रहा मालवीय जी का टिफिन, क्योंकि इन्हें हर 2 से 3 घंटे में अब खाना खाना जरूरी है, चाहे फ्रूट्स खाएं कुछ भी खाएं, खाली पेट नहीं रहना है, नहीं थोड़ा थोड़ा खाना यही होता है अच्छा, भले उसमें एक कटोरी हो आधी कटोरी हो। तो दोस्तों हाउ यू आर फीलिंग, कैसा जाता आज का दिन, आज के वीडियो में हम देखेंगे। और मैं इनसे कह रही हूँ कार से चले जाओ, और वो तकिया रुको मैं आपके लिए लाई थी, पकड़ो पकड़ो। दोस्तों मैं 20-22 दिन हो गए आज पूरे पूरे घर पे रहते हुए, और 22 दिन जब घर पे रहा तो मुझे सच में लग रहा है कि रचना कितना परेशान होती है बच्चों को लेके यार। अब मैं तो मन कर रहा है कि नहीं जाऊँ ऑफिस, बच्चे कौन देखेगा। मेरे पास वो वाली फीलिंग आने लगी क्योंकि मैं पहले ऑफिस जाता था 2 घंटे आता था, मुझे लगता है चलो ठीक है रचना मैनेज कर लेती है, मगर अब बीइंग ए हस्बैंड ऐसा लग रहा है कि कैसे मैनेज करती है यार, इतना परेशान करते हैं दिन भर, इधर उधर भाग रहे पकड़ के लाओ, फिर दूसरी भाग गई, दूसरी को लेके आओ, पहली भाग गई, ये चल रहा है, फिर गीत को भूख लगने लगी, गीत को पानी चाहिए, गीत को पानी लेने जा रहे हैं। अरे दोस्तों ये लेके आई थी मालो जी के बैठने के लिए, और पता है मैंने देखा कि मैंने अमेजोन में एड टू कार्ट 2-3 महीने पहले कर रखा था, क्योंकि इनको पहले से दिक्कत थी, मैं पता नहीं क्यों नहीं मंगा पाई। तो अब ये मेरी सीट जो थी ऑफिस की चेयर, वो या तो एप्लीकेशन डाल के बदला लो या फिर अभी के लिए लगाते हैं। और मैं कह रही हूँ कार से जाओ, बाइक से मत जाओ, ये टैग निकाल लो मालो जी, ठीक है ना। और मेरा बैग में लैपटॉप है, कहाँ चल रही है दोस्तों? अरे बेटा खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा बेटी। मीत आप तो अच्छे बच्चे हो ना, कोई नहीं सुनता इस घर में, ये देख लो पापा जा रहे हैं, बेटा ये ताला देख क्या यार। चलो दोस्तों जल्दी इसकी ओर, कैसा जाएगा दिन यार, मुझे बड़ा डर लग रहा है, और एक 20-22 दिन का गैप जाता है तो बड़ा अजीब लग रहा है ऑफिस जाने में। वहाँ के लोगों से फिर मिलूंगा, फिर पूछेंगे क्या हो गया था, क्यों नहीं आए, इतने दिन के हो गए, इतने दिन लगते हैं क्या, सबके जवाब देते हैं हंसते हुए देना। दोस्तों जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के बहुत सारा नाम पैसा सब कमाना है इस, और एक बार वो अपने आप को उठाते हैं। जो भी हो रहा है हमारे साथ, आप सब हमारे से परिचित हैं, कुछ नया नहीं आपके लिए ना हमारे लिए, मगर हमारे कॉन्फिडेंस, हमारी बिलीव्स और हमारी पॉजिटिव ऑरा से ही हम इस चीज़ को हरा सकते हैं। तो वापस से आज ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ कि नया सब कुछ रीसेट कर दिया है, नया शुरू कर रहे हैं, और नए को हम वैसे ही उतनी अच्छे से करेंगे। आप अपने आप को स्वस्थ रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा धन है निरोगी काया, ये सच में आप समझ में आया। मैं पैसा पैसा करता था, पैसा बचाता था, मगर नहीं, सबसे बड़ा धन है निरोगी काया भाई साहब, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर आपका हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, आपके लाखों रुपए रखे हैं, कुछ मतलब की नहीं होते हैं, पेन किलर भी कितनी देर काम आएगी, समझ में आई। चलते हैं, रचना ने तो ये लेकर आई, देखते हैं इससे कितना फ़ायदा होता है, नहीं होता है तो फिर दूसरा मंगाएंगे, है ना। अभी फ़िलहाल में ये है, आज पता चलेगा। घर में तो क्या होता था, बैठ जाता हूँ, ऐसा नहीं है, मगर फिर भी जैसे लगता है कि प्रॉब्लम हो रही तो थोड़ा लेट गए या करवट ले लिया, जो भी कर लिया, मगर अभी सुबह देखते हैं तो ऑफिस में काम शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मिल लीजिए अपने प्यारे से बच्चों से, और मेरे लिए तो अब प्यारे में क्या बोलूँ, इतना परेशान कर दिया दोस्तों, ये क्लिप पता है मैं छोटी क्लिप सब खोल देती दोस्तों, उसका तो फिर भी लगा हुआ है, मेरे को थक गई। गीत अब भी सोइए, मालवीय जी का भी 2 बार फोन आया था, रचना नहीं बैठते बन रहा, पेन हो रहा है, मैं अब क्या बोलूं। और इन बच्चों आज सोए ही नहीं है, ये दिन में 10-10 मिनट सोए हैं, और एक साथ सोना है दोनों को, एक साथ कुछ भी खाना पीना। और रीत रीत बहुत वो नाटक है, देखो देखो आ गई इसको ना, किसी और को ये मुझे खिलाने पिलाने नहीं देती, सुलाने भी नहीं देती है, बस इसको रखो, वो तो फिर भी कोऑपरेट कर लेती। ये बच्चा सुन रहे हो आप ही की बात कर रही हूँ, बुराई कर रही हूँ आपकी। पापा आएंगे ना, पापा को ही बताऊंगी, ना ना कुछ नहीं, मैं बताऊंगी पापा को, पापा नहीं नहीं कुछ नहीं होता, उंगली मत दिखाओ मुझे। और फ्रेंड्स गीत का भी है, ओहो पता नहीं गीत का
अच्छा गीत दीदी को क्या हो गया, इन लोग से बहुत चिड़ मचने लगी है। अब आज मालवीय जी ऑफिस गए हैं आज से, तो फिर से एक रूटीन बनाना पड़ेगा तीनों ही बच्चों का। आज थोड़ा ठीक ठाक खाना खाया उसने और आज टीवी देखी। बच्चे की तबीयत खराब थी ना, तो मतलब गीत खाना भी नहीं खा रही थी और टीवी भी नहीं देख रही थी। मोबाइल तो हम देते नहीं है, टीवी भी नहीं। आज खुद से उसने टीवी देखी है, वो खुद देखती है खुद बंद कर देती है। ऐसा नहीं कि वो खुद देख ही जा रही है, पता नहीं मतलब ऐसा है, पूछ के ही चालू करती है और बंद कर देती है। खाना थोड़ा बहुत खाया, अभी सोई है वो। ओह पर ये बच्चा नहीं मानेगा। आप मस्ती करते हो, इनको बातें करनी। दोस्तों आप बातें कीजिए, मैं लाइव लगा देती हूँ, आप बातें करते रहिए। लाइव कर दूँ? आँखें उचका रहा है पापा की तरह, आईब्रो उचका रहा है बाबो। रूटीन बनाना है मम्मा को कल से फिर से। रात में अच्छे से सो जाना, आप दिन में नहीं सोए हो ना क्या? सुनो इधर देखो, रात को अच्छे से सोना, मम्मा सुबह जल्दी उठेगी। दीदी को टाइम देना, मम्मी को मॉर्निंग में एक और शाम को एक घंटा अकेले। मेरा बच्चा गीत दीदी, मेरी गीत दीदी सबसे प्यारी है, समझी? क्या चिल्ला चोट चल रही भैया? पापा मम्मी से ज्यादा कैमरा से प्यार है। गीत दीदी से कोई बात नहीं कर रहा? आप क्या खेल रहे हो? आप क्या खेल रहे हो? तुम अच्छा बता, आप क्लिप क्यों निकाल लेती हो? आप ऐसे क्यों करती हो, चोटियों का बैंड और क्लिप क्यों निकाल लेती हो? मैं बाल काट दूं आपके यहाँ से? कट कट कट। दोस्तों अभी घन चल रहा है, एक और जो रचना दिया था वो कर लेते हैं, खाना बैठना मुश्किल हो रहा है। ये तो है, मैं करना पड़ेगा, बताता हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। उस पे क्यों गुस्सा करती है यार? ये पता है फ्रेंड, सब पे गुस्सा करती है, पापा पे भी करती है, मुझ पे करती है, मीत को तो छोड़ती नहीं और गीत को भी परेशान करती है। गीत चिढ़ने लगी है, मैंने गीत से बहुत पूछा क्यों चिढ़ रहा है बेचारा, क्यों धक्का दे रहा है। अब पता नहीं उसके मन में, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उसके मन में क्या घर कर गया। पहले तो इन दोनों के साथ खेलती थी हम, अगर मैं मजाक में भी डांट, इतने छोटे सीरियस तो डांट नहीं सकती, मजाक में भी इनको डांटू करूँ तो वो रोक देती थी मम्मी नहीं। अब तो वो खुद मारती और हम डांटते तो वो खुश होती है। कहाँ गलती हो गई यार, तीन चार दिन एक हफ्ते में गलती हो गई, क्या हो गया समझ नहीं आ रहा। फिर से बच्चों को बार बार सही करना बड़ा मुश्किल होता है यार। अब पता नहीं मालवीय जी का भी ऑफिस कैसा गया है, ऑफिस से रोज ही फ़ोन आते थे, घर से भी ऑफिस का ही काम करते थे, अब वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो रहे। उनकी जॉब ही कंप्यूटर पे काम करने वाली, हार्डवर्क वाली इतनी नहीं है कि फील्ड पे गए, बैठना तो पड़ेगा ना, कब तक खड़े रहेंगे, और वहाँ के टेबल के अकॉर्डिंग, और इधर उधर जाना भी पड़ता है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग जाना भी पड़ता है, कैसे मैनेज होगा आई डोंट नो। उस पे तो नहीं मज़ा आ रहा है यार, इस पर बहुत दर्द हो रहा है, हालांकि सॉफ्ट है यह तो, ये पूरे में नहीं पता नहीं क्या दिक्कत है, देखता हूँ। नहीं तो मुझे तो और दर्द हो रहा है, इसके बिना ठीक है, फिर भी तो खड़े होकर कर रहा हूँ क्योंकि नहीं हो पा रहा है। आधा घंटा बैठा होगा मैं, 30 मिनट के आसपास। चलो अच्छा लग रहा है ऑफिस आके, घर की याद आ रही, रीत की मीत की। अब मेरे पास आ जाते थे, दिन भर खेलते थे, घर वापिस जाना है मेरे को, उनसे बहुत दूर आ गया उनसे। पापा आ रहे हैं, मैं आपकी शिकायत करूंगी पापा से, बोलूंगी आपने मुझे परेशान किया। मैं बोलूंगी मीत ने नहीं परेशान किया, रीत ने परेशान किया है। सब डांटते हैं मुझे कि इसके बाल पीछे करो, आईज खराब हो जाएंगी। मैं क्या करूं, काट दूं क्या दोस्तों यहां से कचक? क्योंकि ये तो क्लिप लगाना, रबड़ बबड़ मारना बहुत मुश्किल है, वो फोल्ड करके बांध के देखूंगी टाइट एकदम, मुझे लगता है दुखे ना, तो मैं टाइट नहीं बांधती हूँ। इन दोनों को मालवीय जी के आने से पहले, मैंने आधा घंटा पहले ही खाना अच्छे से खिला दिया है और थोड़ा सा क्लीन कर दिया घर, खिलौने तो इनने फिर बिखेर लिए ताकि उनको आके गंदा सा ना लगे, नहीं तो क्या होता है बिखरा रहता ना, जैसे ही एंटर करते हैं तो बहुत गंदा लगता है उनको। आज का दिन तो जैसे तैसे ख़त्म कर दिया है, मगर बड़ा मुश्किल से निकला है, बहुत दर्द हो रहा है घर में। तो जैसा आपको बार बार कहूँगा, आप कहोगे बोर कर रहा हूँ मैं, लेट रहता हूँ यहाँ, नहीं लेट पाता हूँ, फिर भी वॉक करता रहा बीच बीच में उठ के। चलते हैं वापस घर, रचना ने कुछ मंगाया है, या देखो यही एक रास्ता है ना,
अब आप कहोगे ऐसी चेयर ले लो वैसी ले लो, दो तीन हेयर की आएगी वो जो गोल वाले के राउंड होती है, मैंने ऑफिस में मुझे लोगों ने सजेस्ट किया है, उनने कहा 1.5-2 हज़ार की आएगी। देखो यही यही तरीका जिससे वापस आना है, सही होना है तो यही तरीका। चलो कोई बनी घर चलते हैं, आपसे बात करते हैं। रचना का क्या हाल चाल है? बेचारी बहुत परेशान हो गई होगी जब बच्चे बड़े हो गए। और इस ये कैमरा खा चुके हैं, मैं अंदर गई थी थोड़ा सा किचन देखने, इन्होंने उठा लिया टेबल को वहाँ से ऊपर चढ़ के, चढ़ गई है ऊपर उठाने, ये तो फिर भी नीचे है। हटो पापा आ गए, पापा आ गए हैं, पापा आ गए हैं भाई आ गए हैं बच्चों। गीत पापा आ गए, क्या चाहिए जरा? गीत पापा आ गए, पापा का बैग तो ले लो। जग रही है। इनने उठाया ना, इनकी वजह से तो गुस्सा, इनने उठाया ना, ये दिख नहीं रही आपको? ये वो नाटक कर रही है, बेचारी को परेशान कर दिया है। आ जा बेटा, गीत पापा बुला रहे, बेटा जा पापा, क्या जा बेटा, जा देख क्या क्या लाए, आपके लिए कुछ लाए, रेड कलर का है आपके लिए। हाँ पापा गीत के लिए लाया, गीत के लिए, जाओ 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 जल्दी आ जाओ। पापा ने बहुत ही चालाकी से बच्चे को बनाया बेवकूफ, वॉश किया, ये वॉश करते ना अभी बाहर, बैग में से निकाला घर का ही जो एप्पल ऑफिस ले गए थे उसी को लाके दे दिया, मना है कि एप्पल लाया हुए तो खींच के लाया, पर पापा ने नहीं खाया था तो आपको दे दिया, वॉश करके देंगे आप। तुम दोनों को क्या मिला टंटन गोपा, क्या हुआ? कछु नहीं मिला। ये तीनों दीदियां खेल रही हैं, देखो ओ भैया हमारा पूरा परिवार यही है क्योंकि मम्मी किचन में है, और जब मम्मी किचन में होती तो हम लोग क्या करते हैं, इनको पकड़ के बैठते हैं जिससे कि मम्मी खाना बना सके हमारे लिए, टेस्टी टेस्टी खाना बनेगा जब हम नहीं जाएंगे किचन के अंदर। हेलो, पूरे गुस्सा की रोटी है क्योंकि उसको पकड़ के रखा मैंने। क्या हुआ अंदर क्या करेगा, जा क्या करेगा अंदर, मम्मी की हेल्प करना किचन में अभी से। दोस्तों पता नहीं बहुत देर से क्या बना रही है यार, भगवान जाने खाना ही खाना है मगर बहुत देर हो गई, 1 घंटे के आसपास हो गया। गीत, गीत, ये देखो, और बाप रे स्माइली है भी गीत, गीत? गीत है? गीत स्माइली है। अरे वाह यार भाई इतना टेस्टी टेस्टी खाना है, स्माइली का हो गए ये क्या, देखो आईज, ये लिप्स है, माउथ। जाओ हैंड वॉश कर लो, खाना खाएंगे। तो ये रीत है मस्ती को, राज इसकी बहुत शिकायत सुनने को मिली। क्यों दीदी आप बहुत परेशान कर रहे हो सबको? अभी भी दोस्तों 12 बजने वाले हैं, मैच खत्म हो गया आईपीएल का, और ये सो नहीं रही, दूसरा गीत दीदी सो गई, तो गीत दीदी के बाल पकड़ खींच रहे, मेरी भी नींद लग गई थी, अभी आप आंखें देख रहे होंगे तो मेरे भी बाल पकड़ खींच के उठाए इसने, इतनी शिकायत, इतना नोटी पना, इतनी स्माइल देखो, किसको पता आई, देखो बात करेगी। हे दोस्तों आज का दिन तो ठीक ठाक निकल गया, अच्छा गया, और खुशी की बात है कि ऑफिस गया, भले ही दर्द है ठीक है, रहेगा दर्द हो तो हफ्ते 10 दिन, धीरे धीरे यूज्ड हो जाएगी बॉडी भी, और बस ऐसे ही है कि अब आगे ऐसे कभी कुछ ना हो, बस यही प्रार्थना है ऊपर वाले से हमारी, किसी को भी ऐसे स्ट्रगल ना करवाए यार। देखो लाइफ में स्ट्रगल आते हैं चले जाते हैं तो हमने देखे हैं, बचपन से देखे हैं, है ना। आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूँगा बींग एस्ट्रोलॉजर, कि जब आपकी अगर कुंडली में 6ठे हाउस की 8वें हाउस या 12वें हाउस की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, तो आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर ले लें मेडिकल में, वैसे भी आप ले लें क्योंकि आजकल के ज़माने में हॉस्पिटल खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर नहीं ली है तो 6, 8, 12 ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो ले लेना चाहिए क्योंकि ये हाउस आपको बीमारी देते हैं, बीमारी के साथ साथ लंबी बीमारी भी दे सकते हैं, और 12वां मतलब हॉस्पिटल खर्चे देते हैं, 8वां मतलब कि लंबी बीमारी सर्जरी सकता, 6ठा हाउस मतलब बार बार बीमारी। तो इसलिए कह रहा है कि सजेशन है, अगर आपको चल रहा हो, मैं पता चल रहा है आपसे कहीं से, तो एक जरूर लेना चाहिए। और एक चीज़, अगर लेफ्ट साइड आपके बॉडी का लेफ्ट साइड बार बार बीमार रहता है या उसकी सर्जरी हो रही है, तो वो आपके पुराने कर्मों के वजह से होता है। राइट साइड मतलब कि आपने वर्तमान जो इस लाइफ के कर्म हैं, कर्मास हैं, उसकी वजह से मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है ना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रों में कहा जाता है, मैं वही बातें करूँगा जो शास्त्र कहते हैं। तो आज का वीडियो को अच्छे पॉजिटिव पॉइंट पर ख़त्म करते हैं, हम आगे भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छे अच्छे दिन जाएं, बस ऊपर वाला थोड़ी सी हम पे कृपा बनाए रखे, बस इतनी सी बात है। जय माता दी, आंखें नींद में 12 बज रहे हैं,
गुड नाइट दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।